देवघर के शिव बरात में आकर्षण का केंद्र होगा G20 और पंचनी चुड़ैल। बाबा नई देवघर में इस वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर समिति के द्वारा सांसद निशिकांत दुबे के निर्देशन और अध्यक्ष अभिषेक झा के नेतृत्व में भव्य बारात निकालने की तैयारी की है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष अभिषेक झा ने प्रेस वार्ता का आयोजन का जानकारी दी। श्री झा ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य शिव बारात की सफलता को लेकर है। बीते 3 वर्षों से कोविड के कारण शिव बारात नहीं निकल पाई थी, किंतु इस वर्ष शहरवासियों के सहयोग से भव्य शिव बारात निकलेगी। इसको लेकर पूरे शहर को चंदन नगर की लाइटिंग से सजाया जा रहा है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व अध्यक्ष मेयर भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहीं श्री झा ने कहा कि जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर यह बारात निकाली जाएगी, इसके लिए एक समन्वय समिति भी बनाया गया है। वहीं शिव बारात रूट लाइन को लेकर कहा कि वैसे तो हम लोग का प्रयास है कि नई रूट से बारात गुजरे, पर जिला प्रशासन का कहना है कि पुराने रूट से ही बारात निकलेगी। इसको लेकर चर्चा कर लिया जाएगा और सांसद सहित समिति का जो निर्णय होगा वह किया जाएगा। श्री झा ने शहरवासियों से अपील किया कि इस बारात में सभी लोग सहयोग करें, यह पूरे देवघर वासियों का कार्यक्रम है। वहीं झांकी को लेकर अभियान झा ने कहा कि झांकी में इस बार का मुख्य आकर्षक होगा मानव दैत्य और पंचनी चुड़ैल, जो लोगों को मानव जीवन के लिए एक संदेश देगा। साथ ही मुख्य रूप से G20 को लेकर भी आकर्षक व्यवस्था रहेगी। चूंकि भारत अपना देश अब पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं इस दफा यूनिक किस्म के लाइटिंग की व्यवस्था है। इस मौके पर कुणाल राय, अभियानंद झा सहित कई लोग मौजूद थे। शिवरात्रि महोत्सव समिति बारात जो निकलती थी पिछले विगत 3 वर्षों से नहीं निकल रही थी, इस बार फिर से शिव बारात निकल रही है। यह सबसे बड़ा देवघर क्या, झारखंड क्या, बिहार, पूरे देश के लिए सबसे हर्ष और उल्लास का और गौरवान्वित होने वाला चीज है कि 3 वर्षों के बाद हमारे गोड्डा के सांसद बड़े भाई एमपी साहब ने जाकर के इसका बीड़ा उठाया और फिर से शिव बारात निकल रही है। लाइन जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हम लोगों ने अपने तरफ से जिला प्रशासन को अवगत करवाया। जिला प्रशासन उसमें अपना वो देख टोटल सर्वे कर रहे हैं, फाइनल जो भी जिला प्रशासन की तरफ से जो रूट लाइन का जो गाइडलाइन हम लोग को आएगा उस हिसाब से। इतना बता देता हूँ कि स्टेडियम से शिव बारात निकल रही है, बाबा मंदिर बारात जा रही है। क्या होगा G20 वगैरह को? देखिए G20 विश्व गुरु आज के दिन में सबसे गौरवान्वित करने वाला चीज है। आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, वो सबसे प्रमुख झांकी है। उसके बाद फिर इसमें आप हर बार चूंकि ये बाबा का बारात है, इसमें दैत्य पिशाच भूत बैताल सब रहते हैं, तो हमारे आदरणीय पुटलू दा मार्कंडे जजवाड़े जी और उनके साथ में लक्ष्मण जी और पूरे कलाकारों की जो टोली टीम सभी मित्रों भाइयों का एक जो सहयोग रहता है, वो लोग उसमें एक से एक एक अद्भुत चीज करने का हर साल प्रयास करते हैं। इस साल भी किया जा रहा है, जैसे उसमें पंचनी चुड़ैल हो गया और कुछ और भी है वो आ रहा है। ऐसी होगी, देखिए तिरंगा तो हर एक देशवासियों के लिए गौरव का चीज है। और विद्युत सज्जा जो है आपको बता देता हूँ कि एक आंशिक खर्च पे देवघर के जितने भी आप डेकोरेटर कर दें लाइट सज्जा कर दें, ये लोग एक आंशिक खर्च पे निस्वार्थ भाव से पूरे शहर को सजाते थे। इस बार भी सजा रहे हैं, पूरा शहर दुल्हन के जैसा सज रही है। ये पूरा शहर तो नहीं लेकिन मैक्सिमम शहर जा करके सज रही है दुल्हन के जैसा। और इसमें उन लोगों के सहयोग में 4 साल में चंदन नगर वाले भी आए हुए हैं, वो लोग भी कुछ अपनी झांकियां जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका एक अतुल्य जो सहयोग सराहनीय है उसकी आप व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये कोई एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये शिव बारात है, भोले बाबा का बारात है। तो मेरा यह हाथ जोड़ के सभी राजनीतिक दलों से और सबसे रिक्वेस्ट होगा कि इसे कहीं भी राजनीतिक कलर ना दिया जाए। 18 तारीख के बाद सब अपने अपने पार्टी में रहे, अपना अपना राजनीति करें, लेकिन 18 तारीख तक सिर्फ जय शिव जय शिव जय शिव।